वेलकम टू इफ्तार टाइम। जी हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं अपने स्टूडियो में, जिसका हमें बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। आई एम श्योर आप लोग भी सोच रहे होंगे कब आएंगे ये लड़कियाँ अपनी स्टूडियो में। आज लड़कियाँ मैं इसलिए कह रही हूँ, और इनफैक्ट मुझे अपना इंट्रो ज़रा डिफरेंट तरीके से वापस से करना होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू इफ्तार टाइम, इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। कौन करता है ऐसा इंट्रोडक्शन। जी मैं इतनी खुश इसलिए हूँ क्योंकि मेरी पार्टनर जो है वो वापस आ गए हैं। सनिया ने हमें ज्वाइन कर लिया है, एंड इट्स ओवर टू हर। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, और उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और दो हफ्ते बाद मेरी आपसे मुलाकात हो रही है, मैंने बहुत मिस किया आप लोगों को, एंड आई एम श्योर कुछ लोगों ने मुझे भी मिस किया होगा। ज़ायला तो इज़ वन ऑफ देम ऑब्वियसली, आई एम श्योर, क्योंकि शी केप्ट कॉलिंग मी। और रमज़ान भी शुरू हो गए, अल्लाह ताला आप सबकी दुआएँ, आप सबकी मगफरत फरमाए। और एक और हमारा जो एडिशन हुआ है, मैं चाहूँगी कि उनका भी इंट्रोडक्शन करा दें। इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, मैं चाहूँगी कि नाज़िया मुझे सबसे तो खुशी इस बात की हुई कि मैंने ये शो ज्वाइन किया फर्स्ट रमजान से, तो जब मुबारक दिन, मुबारक महीना, और मुझे इतनी खुशी हुई इस बात की, और स्पेशली मेरी दो और दोस्तें बन गई, और सनिया को तो मैं जानती थी लेकिन ज़ायला के साथ बड़े अच्छे दो दिन गुजरे, और आपको बहुत मिस किया हमने। हम भागते रहे और इतनी अच्छी इफ्तारी हुई, और हमारे जिन नाज़रीन ने बहुत अप्रिशिएट किया, और जिन हम अपनी दोस्त के घर गए, बहुत अच्छा लगा वहाँ पर, और सब इफ्तारी वगैरह तैयार हुई। नहीं बिल्कुल, अभी आप देखें हम तो ये सिलसिला अभी हमने जारी ही रखा हुआ है, तो ऐसा करते हैं शो का आगाज़ भी करते हैं और बुलाते हैं हम राबिया आबिद को कि वो आके हमें सबसे पहले नाच सुनाए। राबिया आबिद अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटे, क्या हाल है, कैसी हैं आप, यहाँ पे आ जाएं, आप इधर तशरीफ रखें। क्या हाल है राबिया, इससे पहले कि आप नाच पढ़े मुझे बताएं कैसे जा रहा है रमजान। अच्छा जा रहा है, ठीक है, जबरदस्त। एक सवाल जो सबसे ज्यादा लोग रमजान में करते हैं दूसरे से, तुम्हारा रोजा है? इस पे हम बात करेंगे, वैसे बड़ी बड़े जोक्स आए हैं अब तो खैर फेसबुक पे। अच्छा मैं सबसे पहले उनसे पूछूंगी कब से आप जो है ना नाथवान कर रहे हो। मैं 6 साल की थी, छह साल की तो उम्र पूछ लो अभी कितनी है, 10 साल की? नहीं 6 साल की। अब कितने साल की? अच्छा 19 साल की हो, बिल्कुल नहीं लगती हो। हम ऑफिस में कह रहे थे कि छोटी सी बच्ची आई है। 12 साल की या 13 साल की? राबिया थोड़ा सा माइक ऊंचा करके आप हाँ रखें ताकि आपकी सही से आवाज आए, बहुत ही धीमा ले जाए। ऑब्वियसली नाथ खान है तो बहुत ही धीमे तरीके से बात करी, हमारी तरह नहीं बिल्कुल बात करी। अच्छा मुझे बताएं कभी नेशनल लेवल पे पढ़ी है नाथ जाकर? जी एआरवाई न्यूज़ पे जज की हूं मैं। जबरदस्त, कैसे खान के साथ? अच्छा रहा था एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा था, पहले भी मुकाबला मिल गया था मुझे, काबे की रौनक पड़ी थी मैंने। दैट्स वेरी नाइस। हमें क्या सी पढ़ोगी आज, कौन सी पढ़ने वाली? आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ महबूब की महफिल को, महबूब से कहते हैं। बिल्कुल जी सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लम अलैका या हबीबल्ला, महबूब की महफिल को, महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को, महबूब सजाते हैं, आते हैं वो ही जिनको सरकार बुलाते हैं, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं, किस्मत के जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं, जो सरवर आलम का
मिलाद मनाते हैं। इतनी खूबसूरत आपने नात पढ़ी। यहाँ पर एक ज़रूर मैं एडिशन करना चाहूँगी बात का कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत इश्क प्यार जो है ना वो इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाता है। उन्होंने एक लेसन जो हमें दिया जिसे लोग भूलते जा रहे हैं लेकिन याद रखें तो बहुत अच्छा है और वो है मोहब्बत का, क्योंकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक से मोहब्बत करते थे। कैसी बात है ना कि किसी से कभी उन्होंने किसी से ना ऊंची आवाज़ में बात की, ना कभी किसी के साथ उन्होंने कोई बुरा सलूक किया, दूसरे तकलीफ़ देते थे तो उसके बावजूद एग्जैक्टली। और हम देखो हमें तो ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, हमें तो उन्हें फॉलो करना चाहिए। लव एवरीवन नाज़रीन, बिल्कुल ये बहुत अच्छी पढ़ी आपने राबिया, राइट? थैंक यू सो मच राबिया, शुक्रिया बहुत बहुत। इस टाइम पर हमें ब्रेक लेनी है नाज़रीन, बिल्कुल, और ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी फैमिली से जिसकी कहानी बहुत अफसोसनाक है और आप लोग हमारे साथ रमजान का महीना है, जितना डोनेट कर सकते हैं वो महीना है जिसमें आप जितना डोनेट करें कम है, वो कर सकते हैं। और ब्रेक के बाद बताएंगे कि किसको डोनेट करना है इस बार। ज़रा ब्रेक ले जी नाज़रीन, आप लोग जाएँ छोटी सी ब्रेक लें, हम लोग यहीं पर हैं सनिया में और नाज़िया आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। इफ्तार टाइम का एक बहुत स्पेशल एपिसोड है, स्टूडियो से यहाँ पर हमें एक फैमिली ज्वाइन करेगी, डोंट गो एनीवेयर, हमारे साथ रहिएगा, कम राइट बैक।